इतने बड़े मकान में एक डॉक्टर भी नहीं रहते थे, सब इमीडिएटली आके चले जाते। आज मीडिया में आज स्पेशल डॉक्टर आते हैं, पूरे आ रहे सिटीज का नॉर्मल है, लेकिन पूरा चेस्ट एस्पेक्ट करता है। सो पूरा प्रेपिटेशन बायोलॉजिकल प्रेपिटेशन से रहते हैं। सो सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता है कल से। सो बच्चे को वेंटिलेटर पर लगा के पॉजिटिव वेंटिलेशन साल के एक बच्चे को कल संडे के दिन लेके आए थे कैजुअल्टी इमरजेंसी में। तो पेशेंट को फिट्स फ्रीक्वेंटली आ रहे थे, तो उसके स्पेशलिस्ट कंसर्न स्पेशलिस्ट को कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर रेफर करके न्यूरो में एडमिट कर चुके हैं। न्यूरो सर्जन्स को मैं डिस्कस करा कल से, तो बेहतर है। कल तो प्रिपरेशंस बोले तो ये पानी अंदर जाके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम था, उससे हटा के निकलिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हुए वेंटिलेटर लगा चुके हैं। वेंटिलेटर पे उनका सांस अभी अच्छा चल रही है और ऑक्सीजन भी 100% अभी ले रहे उन्हों वेंटिलेटर पे। उससे पहले जो है 50% ऑक्सीजन ले रहे थे, और तो उसका लंग्स में ये क्रिप्टेशन मतलब पानी आने से तकलीफ, सांस लेना भी मुश्किल था। तो ये पूरे सारे चीज़ें हमारा एफर्ट से 24 आवर्स जो हम लोग टीम बन के ट्रीटमेंट करने से अभी उन्होंने अभी अच्छा हो रहे हैं। वो वेंटिलेटर भी निकालने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने भी स्टेबल होने के लिए और 24 आवर्स लगता, उनका कंडीशन तो स्टेबल होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बोल के डॉक्टर्स हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स डॉक्टर नागराज ने बोला। ये बात हम अटेंडेंट्स को भी समझा दूँगा। अगर सब उनकी फैमिली बता रही है और दवाखाने की तरफ से डॉक्टर की कोई तवज्जो नहीं है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अभी मैं बोला डॉक्टर का तवज्जो नहीं है। स्वच्छ कल जो सीरियस बना था वो अच्छा होने के हो गया बोल के डॉक्टर खुद बोल रहे हैं। इसमें समझ में आ रहा है कि डॉक्टर जो एफर्ट्स दिए तो उन्होंने जो तकलीफ कल फिट्स फ्रीक्वेंटली आके जो लंग्स में क्रिप्टेशन आके पानी आया वो साफ साफ हो रहा एफर्ट्स।